एक तो मुझे ये बताओ, इसको 2 घंटे 20 मिनट लंबी मूवी बनाने की क्या जरूरत थी? चाहते तो इसको 20 मिनट के अंदर भी खत्म कर सकते थे। ये 2 घंटे सर में दर्द करने की क्या जरूरत थी? आज की इस वीडियो में बात करूंगा सरदार का ग्रैंडसन मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इसे डायरेक्ट किया हर्षवीर नायर ने और इसके अंदर कास्ट है एक्सप्रेशनलेस कपूर, अर्जुन कपूर, रघुल प्रीत सिंह, नीना गुप्ता, जॉन अब्राहम और भी बाकी अन्य कलाकार। अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक औरत जिसे इसमें सरदार कहा गया है, वो एक टाइम में जब पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी विभाजन नहीं हुआ था देश का, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो वहां पर वो लाहौर में रहा करती थी। वहां उसने अपने पति के साथ एक घर को अपने सपनों जैसा सजाया था और आज जब वो 90 साल की हो गई है तो उसकी कहीं ना कहीं वो इच्छा है कि आज जाकर मैं उस घर को जाकर देखूं, अपनी यादों को फिर से मैं जीऊं। तो ये जो चीज है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इंसान की इच्छा होती है कि उस टाइम को वो एक बार जीकर देखे कि उसने जो अपने सपनों जैसा उसने वो घर सजाया था, उसका टाइम वहां पर बीता था, वो अपने पति के साथ वहां थी। ये जो चीज थी वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। और जो नीना गुप्ता है जिन्होंने इसके अंदर प्ले किया सरदार का किरदार, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। वो इमोशनली हमें कनेक्ट कर पाती हैं, वो बता पाती हैं कि उनके लिए उस घर का कितना मायने है, पर इसलिए वो एक बार अपना घर देखना चाहती हैं लाहौर जाकर, लेकिन कुछ रीजन से वो वहां पर नहीं जा पाती हैं, पाकिस्तान नहीं जा पाती हैं। फिर इनका जो ग्रैंडसन है अमरीक, जिसे प्ले किया है एक्सप्रेशनलेस, यार एक्सप्रेशनलेस क्या, अर्जुन कपूर ने, वो एक आइडिया लगाते हैं कि अगर वो लाहौर नहीं जा सकती तो जो लाहौर घर है वो वहां से वो शिफ्ट करके इंडिया ले आएंगे, अमृतसर में वहां पर उसे वो शिफ्ट कर देंगे। और होता भी ऐसा ही है। ये सब कैसे होता है ये तो देखो, आप लोगों को जो मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। अब इस मूवी के अंदर जो मुझे अच्छा लगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अच्छी चीज मुझे लगी, जो नीना गुप्ता ने जो प्ले किया है सरदार का, एक लेडी का किरदार, वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। वो इमोशनली हमें कनेक्ट कर पाती हैं, हमें बता पाते हैं कि उनके लिए वो घर कितना कीमती है, वो वहां क्यों जाना चाहती हैं, उनकी यादें उनसे वहां बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और फिर इसके बाद जो मुझे जॉन अब्राहम की जो इसमें प्रेजेंस दिखाई गई वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। बस ये 2 ही चीजें मुझे इसमें पसंद है। अब जो इसके अंदर बुरी चीजें जो भर भर कर है इसके अंदर, एक तो यार इतनी स्लो मूवी, इतनी ज्यादा स्लो मूवी, इसको मतलब देखने के लिए मुझे बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ रहे थे। उबासी आ रही थी यार ये मूवी देख रहा था। इवन सोचो यार तुम मूवी किस लिए देखते हो, ताकि तुम्हारी जो बोर हो रहे उसको दूर कर सको, कुछ इंटरेस्टिंग देख सको। यार सोचो वो एक ऐसी मूवी जिसको देखकर तुम और ज्यादा बोर हो जाओ, वो कौन सी मूवी होती है? वो ये सरदार का ग्रैंडसन मूवी। बिना वजह की कन्वर्सेशन चल रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बिना वजह के सीन चल रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, हद से ज्यादा उसको स्लो कर रखा है, देखते देखते उसको नींद आ रही है। यार ये कौन सी मूवी बना रहे हो? और ये टॉर्चर तो सह रहे थे, इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉर्चर है वो अर्जुन कपूर। यार इतने एक्सप्रेशन उसने दिए, मतलब दिए ही नहीं, मतलब सोच सकते हो तुम, कोई इंसान खुश हो रहा है सेम एक्सप्रेशन, गुस्सा है सेम एक्सप्रेशन, किसी से प्यार कर रहा है सेम एक्सप्रेशन, इवन रो रहा है सेम एक्सप्रेशन। मतलब ये भी एक कला है वैसे, मतलब एक्सप्रेशन ना होना भी एक कला है। जहां पर इंसान जो कलाकार हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको जरूरत है आगे बढ़ने की और उनमें टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिल रहा, वहां पर ऐसे बिना एक्सप्रेशन लेकर बार बार स्क्रीन पे आ जाना, जनता के सामने आना, यार ये तो अर्जुन कपूर से सीखो। एक वो डायलॉग है अर्जुन कपूर इस मूवी में बोलते हैं, 70 ईयर्स से वो ऐसा फील कर रही है, वो कितना खालीपन महसूस कर रही है। यार इतना वो फेक एक्सप्रेशन लगा, सच में मेरा मुंह चिढ़ गया वो साला एक्सप्रेशन देखकर। और फिर आती है रुकुल प्रीत सिंह। यार मुझे एक बता दो, इनकी जरूरत क्या थी इस मूवी में? यार ये सिर्फ इसलिए था कि हिंदी मूवीज के अंदर एक, हाँ एक हीरो है, उसके अपोजिट में एक हीरोइन चाहिए, वो चाहिए चाहिए, जहीं भले उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, धक्के से रिक्वायरमेंट बनानी पड़ती है वहां पर। अरे एक तो एक्सप्रेशनलेस कपूर ने इतने एक्सप्रेशन दिए कि भाई साहब, उसके बाद उन्होंने ओवर एक्टिंग और कर डाली। एक जो सीन आता है जिसके अंदर वो बुलडोजर जो घर को गिरा रहे थे, वो शायद बुलडोजर नहीं कुछ हो रही था, वो जब बुलडोजर ही कह रहा हूँ, वो घर को जब गिरा रहा था तो भाई उसके ऊपर जाके चढ़ के चिल्ला रहा है बिना वजह की, ये घर नहीं गिरने देंगे, ये है मुझे नीचे उतारो। अबे चढ़ने के लिए किसने बोला था ऊपर? इतना फेक है यार। वो एक फ्रेम के अंदर जो कुत्ता जो है वो अर्जुन कपूर को काट जाता है, और फिर अगले ही फ्रेम में, जस्ट अगले ही फ्रेम में वो कुत्ता और अर्जुन कपूर में कम से कम 3 फुट का गैप दिखा देते हैं। यार थोड़ा बहुत तो डायरेक्शन पर ध्यान दे लो यार। और सच कहूं जो ये कुत्ता है इस मूवी के अंदर, इसने बेटर एक्सप्रेशन दे दिया एज कम्पेयर टू अर्जुन कपूर से। इतना बढ़िया एक्टिंग करके गया है वो कुत्ता यार, मतलब देखकर अच्छा लग रहा था। और इसमें जिस मूवी के अंदर जो रईक भाई कसर जो इसके अंदर छोटे मोटे VFX इन्होंने यूज किए, यार इतने चीप वो VFX थे, मतलब सच कहूं यार मुझे लगता है कि यार नेटफ्लिक्स इंडिया को वाकई में जरूरत है अपने ऊपर हार्डवर्क करने की, उनको सोच समझ कर अपने OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी मूवी लानी चाहिए जो वर्थ इट हो। यार
पेड, मतलब ये पेड कंटेंट है यार। हैरानी की बात है कि इसको देखने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, और क्या देखने को मिल रहा है, ये कचरा। इससे बेटर तो जाके यूट्यूब पर देखो यार, जहां पर इतना फ्री कंटेंट है, लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट उन्होंने दे रखा है। टीवीएफ के चैनल पर जाकर देखो, इतना बढ़िया कंटेंट उन पर मिल जाएगा यार। मतलब देख कर ही आनंद आ जाता है, इतना बढ़िया उन्होंने बना रखा है, उन्होंने मेहनत की, ये देख कर पता चलता है, उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, ये पता चल रहा है वहां पर। लेकिन इसमें ये पेड कंटेंट है, आप कंपेयर करके देखो यार, फ्री और पेड के अंदर क्या मिल रहा है हमको। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 out of 10 स्टार, वो भी इसलिए जो क्योंकि इसमें जो नीना गुप्ता जी इमोशनल हुई, उन्होंने हमें कनेक्ट किया अपने साथ, वो मुझे अच्छा लगा। थोड़ी बहुत इसके अंदर कॉमेडी भी है जिसमें हंसी है, बाकी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। ऐसे ऐसे इसके अंदर सीन है सच में, बार बार उनके ध्यान वहीं जा रहा है, गुस्सा हो रहा है उसके बारे में सोचकर। यार ये अपने 2.5 घंटे वेस्ट किए इस कचरा मूवी के ऊपर, इससे बेटर तो कुछ और लेता मैं। बस बस आज के लिए यही रखते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो रिव्यू जैसा आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अपने रिस्क पे देख लेना भाई। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।